वेल मेरी बात ध्यान से सुन लो, फास्ट लेने यार तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वेल तो ही गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट लेन के कुछ शॉकिंग रिटर्न्स के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं फास्ट लेन में। सो उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलने वाला है बहुत सारे मैचेस, वो भी खतरनाक जो कि फास्ट लेन में होने वाले हैं। वेल तो फर्स्ट मैं उस सुपरस्टार के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा रूमर्स उठ के आ रहे हैं कि वो हमें फास्ट लेन में देखने को मिल सकते हैं, एंड उसके ऊपर हमें बहुत सारे हिंट्स भी देखने को मिले हैं, एंड उनका जो कि एक शॉकिंग रिटर्न होगा एंड बहुत ही दिनों के बाद रिटर्न होगा, और वो कोई सुपरस्टार और कोई नहीं, वो द फिंड है। वेल जैसा कि आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन ने टीएलसी में द फिंड को जला दिया था, एंड उसके बाद से हमें द फिंड कहीं भी देखने को नहीं मिले अभी तक। एंड उसके बाद तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि द फिंड का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है फास्ट लेन में। एंड इसके सबसे बड़े हिंट हमें ये देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच में, एंड ये एक इंटरजेंडर मैच है, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस हमें दिख रहे हैं जो कि फिंड के रिटर्न के, एंड यहाँ पे जो कि अलेक्सा ब्लिस है, एंड मे बी हो सकता है यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिटर्न देखने को मिले द फिंड का, एंड वहां पे हमें न्यू स्टाइल के साथ में देखने को मिले जहां पे फिंड रैंडी ऑर्टन को सबक सिखा दें, एंड इसके बाद तो हमें रसलमेनिया में इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिल जाए जो कि इसके सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। एंड मे बी मुझे लगता है कि इनका मतलब कंफर्म चांस है कि हमें द फिंड का रिटर्न देखने को मिलेगा फास्ट लेन के अंदर। एंड तो देखते हैं क्या सही में फास्ट लेन में रिटर्न होता है द फिंड का या फिर नहीं होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि द फिंड का अगर फास्ट लेन के बाद कभी भी रिटर्न होगा उसके बाद तो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी खींच जाएगी। एंड यहां पे तो सबसे बड़ा हिंट मतलब सबसे बड़ा चांस बन रहा है कि यहां पे द फिंड रिटर्न कर सकते हैं, तो मे बी यहां पे रिटर्न कर देने चाहिए। वेल इसके बाद नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार और कोई नहीं, वो सुपरस्टार जिमी उसो हैं। वेल जैसा कि जे उसो की भाई जिमी उसो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि फास्ट लेन के अंदर उनके साथ उनके भी रूमर्स बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। वेल जैसा कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि जे उसो के भाई जिमी उसो यहां पे मेडिकली क्लियर कर दिए गए हैं, एंड यहां पे उनका कभी भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, एंड मे बी मुझे लगता है कि फास्ट लेन में उनका रिटर्न बहुत ही अच्छा होगा, एंड जे उसो के साथ में आके ज्वाइन कर सकते हैं अपने दोनों ब्रदर को, एंड यहां पे बहुत ही अच्छे हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल सकते हैं इनके बीच में अगर जे उसो एंड जिमी उसो दोनों साथ में रोमन रेंस के हो जाएंगे तो। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार जो कि रिटर्न कर सकता है वो है कीथ ली। जैसा कि हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है मैट रिडल और मुस्तफा अली के बीच में, एंड यहां पे मुझे लगता है कि कीथ ली रिटर्न कर सकते हैं, एंड यहां पे वो मैट रिडल से अपने चैंपियनशिप के लिए मैच मांग सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एलिमिनेशन चैंबर में उन्हें मैच लड़ने नहीं दिया गया था, एंड उसके बाद तो वो उनके चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी वहीं पर रह गई थी। वेल हमें यहां पे इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है कि यहां पे कीथ ली रिटर्न करके मैट रिडल के ऊपर अटैक कर दें, और हमें यहाँ एक स्टोरी देखने को मिल सकती है जो कि रसलमेनिया में मैच हो सकता है इनके बीच में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। वेल तो नेक्स्ट वन रिटर्न की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन रिटर्न बहुत ही शॉकिंग रिटर्न हो सकता है अगर इन्होंने रिटर्न कर दिया फास्ट लेन के अंदर तो, जो कि सुपरस्टार और कोई नहीं वो है ब्रॉक लेसनर। वेल यहाँ पे ब्रॉक लेसनर हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि अगर ड्रू मैकइंटायर एंड सेमस का मैच जो कि नो होल्स बार रखा दिया गया है, एंड यहाँ पे मे बी हो सकता है कि नो होल्स बार के मैच में ड्रू मैकइंटायर को आके ब्रॉक लेसनर अटैक कर दे और अपना बदला लेने के लिए, एंड मे बी हमें इंटरेस्टिंग थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि सेमस के ऊपर अगर जीत हासिल कर ले ड्रू मैकइंटायर तो वेल उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिले, एंड उसके बाद तो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर दे, एंड उसके बाद हमें बॉबी लैशली भी देखने को मिले, एंड इन तीनों के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिल जाए जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन हमें शुरुआत देखने को मिल सकती है। ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, वो भी रसलमेनिया में। वेल ये रिटर्न बहुत ही शॉकिंग रिटर्न हो सकता है और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एलिमेंट देखने को मिल जाए, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनमें से कौन सा रिटर्न हो सकता है, एंड आपके क्या ओपिनियन है इन रिटर्न्स के बारे में कि किनका रिटर्न हो सकता है फास्ट लेन के अंदर। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो, एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। I finally face it.